हमारे YouTube चैनल Godlywood स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। गीता ज्ञान में डुबकी लगाते लगाते ऐसा लग रहा है कि अंदर की पुरानी बीमारी खत्म होती नजर आ रही है। अर्जुन को प्रतिनिधि बनाकर जो ज्ञान दिया कि नरक का द्वार क्या है, नरक स्वर्ग की परिकल्पना क्या सच है, जीवन से मरने के बाद नरक या स्वर्ग में जाते हैं या फिर अपने ही व्यवहार में जीवन को नरक या स्वर्ग बना लेते हैं, तो इस नरक से बाहर निकलने का मार्ग क्या है। ओम शांति। भगवान द्वारा दी गई सत्य गीता ज्ञान धारा सुनते सुनते ऐसे लग रहा है कि सालों से चली आ रही अंदर की बीमारी खत्म होने को आ गई। लग रहा है ना कि जी, श्रीमद् भगवद गीता श्री भगवानुवाच सुनते सुनते अपने आप अंदर की जन्मांतरों की जो मैल है, क्लेश है, द्वंद्व है, वो सब मिटते हुए नजर आ रहा है। एक अंदर से अद्भुत खुशी की, हल्केपन की अनुभव हर कोई करता है जब गीता ज्ञान को अपने जीवन में उतारता है। हो सौभाग्य हमारे, स्वयं भगवान जब पधारे तो हम सब उनके महावाक्य सुन पाए, उन महावाक्यों को जीवन में उतारने का सुअवसर हम सबको प्राप्त हुआ। इसी भाग्य को और बढ़ाते हुए गीता ज्ञान के श्रीमद् भगवद गीता के भगवानुवाच को और गौर से सुनेंगे। भगवान आत्मज्ञान को सुनाते हुए, स्वयं की पहचान देते हुए, आत्मा के मित्र खुद आत्मा ही है ये समझाते हुए, उद्धरेत आत्मनात्मानाम आत्मानाम अवसादयेत आत्मैव आत्मनो बंधुः आत्मैव रिपुरात्मनः ये समझाते हुए, इवन 16 अध्याय में भी ये बताते हैं, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनम,
काम क्रोधस्तथा लोभ एतत् तयम् त्यजेत्। इन तीनों का त्याग करो, क्योंकि ये नरक के द्वार हैं। कितने स्पष्ट तरीके से परमात्मा बार बार समझा रहे हैं। एक बात बहुत अटेंशन से हम सबको मन में पक्का कराना है कि भगवान कोई अपने अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए तो नहीं सुना रहे ना। भगवान के सामने अर्जुन जैसे लाखों लोग हैं, अर्जुन सामने खड़ा है और लाखों लोगों के लिए भगवान सुना रहा है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। कोई एक व्यक्ति के लिए इतना गहरा ज्ञान सुनाने की कोई जरूरत थी क्या? नहीं ना। इसीलिए अर्जुन को प्रतिनिधि बनाकर भगवान ने हम सबका भाग्य खोल दिया। इतने सुंदर से हम अपने भाग्य को सजा रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के भगवान वाच सुनते सुनते। तो चलिए, ये जो भगवान कहते हैं त्रिविदम नरकस्येदम, नरक में जाने के तीन रास्ते बताते हैं, द्वार बताते हैं, उसमें से काम क्रोध तथा लोभ। हम पिछले एपिसोड्स में ये तो सुनते आए कि काम से क्या क्या नुकसान हो रहा है, काम कामना में बदल रहा है, काम पूर्ति ना होने के कारण मनुष्य क्रोधिष्ठ हो जाता है और क्रोधित होकर पता नहीं क्या क्या कर बैठता है। किंचित समय का या क्षणिक क्रोध सर्वनाश कर देता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे सामने हैं। लेकिन कई बार हम चलते चलते जिंदगी में देखे तो हम एक छोटे छोटे बातों के लिए कैसे क्रोधित हो जाते। कहते हैं सामने वाला झूठ बोलता है ना, झूठ सुनने से ना मेरा खून गुलता है, लगता है मुझे ना बहुत गुस्सा आ जाता है। अरे भैया, ठंडे दिमाग से तो सोचिए, सामने वाला झूठ बोल रहा है वो गलत है, कि आप क्रोध कर रहे हो ये गलत नहीं है, ये सही है। ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है, गणित शास्त्र में ये हो सकता है, माइनस इंटू माइनस इज इक्वल टू प्लस। परंतु जिंदगी के शास्त्र में तो या कहां भी हमने सुना नहीं है, देखा नहीं है कि दोनों गलती करे और एक सही हो जाए। ऐसे होता है क्या? नहीं ना। सामने वाला झूठ बोल रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप गुस्सा कर रहे हो, दूसरे को वो अच्छा नहीं लगेगा, दूसरे को लगे या न लगे, लेकिन हमारी जिंदगी तो खराब हो गई ना। इसलिए बहुत आराम से हम अपने से एक बार ये प्रश्न करें कि हम जब गुस्सा करते हैं तो नुकसान किसकी है, किसको नष्ट हो रहा है। सोचिए, आपने भी समझा होगा कि गुस्सा या नाराजगी या क्रोध आता क्यों है। किसी में गुस्सा क्रोध आता इसलिए है, उनमें सहन शक्ति की कमी होती है, इमीडिएट रिएक्शन कर देते हैं। जब इमीडिएट रिएक्शन करते हैं, सोचते नहीं हैं, तभी गलत काम हो जाता है। इससे तो बहुत अच्छी सीख मिली हमें कि अगर हम क्रोध मुक्त होना चाहते हैं तो हम क्रोध के बारे में ना सोचें, लेकिन हम अपने में सहन शक्ति को बढ़ाएं। सहन शक्ति तो हर किसी में है ही, लेकिन कई बार समय पर उपस्थित नहीं होता है, बस इतना ही। गलत काम के लिए बहुत बार हम सहन कर लेते हैं, जैसे कि पब्लिक में हम बहुत सहन कर लेते हैं, घर में आते ही प्रेशर कुकर बस्ट हो जाता है। सच में घर में ही तो मनुष्य और शांति से रहना चाहिए, क्योंकि घर में ही तो अपने लोगों के साथ जीना होता है और ज़्यादातर प्रेशर भी घर से ही हम लोग लेते हैं और देते भी हैं, क्योंकि आप सबको पता है भारत में स्पेशली होम स्ट्रेस से ही ज़्यादा मनुष्य की तबीयत बिगड़ता है। तो इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन हमें मिलेगा कि हर एक के अंदर सहन करने की एक ताकत है। ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन सही समय पर सही जगह उसके उपयोग करना, उसका प्रयोग करना, इसके आधार से हम जो भगवान कह रहे हैं त्रिविदम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनम, ये जो तीन द्वार है काम, जिसके बारे में हमने बहुत बातें या चिंतन किया है, वार्तालाप किया है, मनुष्य को काम जीत बनने के लिए अपने सोच में एक शुद्ध पवित्र निर्मल चिंतन लाना बहुत जरूरी है। जो हम कहते हैं दुनिया एक परिवार है, हम सब इस परिवार के सदस्य हैं और भगवान इस परिवार का मुखिया है, तो हम सब आपस में भाई बंधु हैं। ये जो मूल भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति का मूल चिंतन है,
इसे अगर हम बार बार अपने मन में दोहराते रहे, चिंतन चलाते रहे, तो एक हद तक तो क्यों, बहुत अच्छी तरह से हम काम विकार के ऊपर जीत पा सकते हैं, नियंत्रण ला सकते हैं, एक मर्यादा ला सकते हैं उसमें। उसके साथ जो दूसरा है क्रोध, उसके बारे में भी हम अभी यही चिंतन कर रहे थे कि देखिए कोई भी वैल्यू सिंगल वैल्यू नहीं होता है। जैसे कि अगर मैं सत्यता को फॉलो करना चाहती हूँ, सत्यता मेरे जीवन का आदर्श है, अगर केवल एक सत्यता को लेके मैं चलती हूँ तो कोई मेरे साथ नहीं चलेगा। क्यों पता है? मैं किसी कह दूंगी मुंह पे कि ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ना समय देखूंगी, ना संदर्भ देखूंगी, ना परिस्थिति, ना व्यक्ति, किसी को नहीं देखूंगी, बस मुझे अपना ही एक आदर्श है कि मुझे सच बोलना है। ठीक है, सच बोलना है। पहले एपिसोड में भी हमने ये सुना था, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम अप्रियम ना ब्रूयात, अप्रिय सत्य कभी नहीं बोलना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी ये है कि सत्यता जितना चाहिए सत्यता को सभ्यता से बोला जाए। सत्यता और सभ्यता ये दोनों पैर वैल्यूज है। जैसे कि देखिए हम चलते हैं, दोनों पैरों से चलते हैं, तो एक आगे होता है तो एक पीछे होता है, दोनों एक साथ तो नहीं चल सकते। अगर मैं सत्यता ही अनुसरण करना चाहती हूँ तो पहले सभ्यता को आगे करो, सभ्यता से पेश आओ, तो आपकी सत्यता की बातें सब सुनेंगे। लेकिन अगर आप जिद्दी बन जाओगे, नहीं मैं ही सही हूँ, मुझे ही आपको मानना है, तो मैं जिद्दी कहलाऊंगी, सत्यवादी कभी नहीं। इसी तरह क्रोध में भी अगर हमें क्रोध जीत बनना है तो एक तो हमारे अंदर सत्य की पहचान होना कि मैं एक सनातन सत्य हूँ, नित्य हूँ, शाश्वत हूँ, अविनाशी हूँ, और ये जो मेरी सनातनता है, शाश्वत शक्ति है अंदर सत्य की, ये सत्य की सनातन शक्ति शांति है, शांति के साथ मुझे सहनशीलता को रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो ये जो स्लोगन हम सुनते आए हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स पीस, सभी को शांति चाहिए, लेकिन इन द नेम ऑफ पीस ऑल आर पीस पीस, ऐसे हो गया है ना, बड़े माइक लगा के आवाज से हम कहते कि यहाँ शांति मिलेगी, यहाँ शांति मिलेगी, पहले ही पोल्यूट कर दिए, फिर शांति कहाँ से मिलेगी। इसी तरह हो गया है, एक दो के अंदर ये जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ये बहुत जरूरी है जिंदगी में। जैसे देखिए हमारी पांच उंगली है, अगर इन पांच उंगलियों में से एक बार अगर कोई कॉम्पिटिशन के लिए बैठ जाए कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो सोचिए क्या होगा। एक दिन सोचिए ये अंगूठा स्ट्राइक कर जाए कि मैं तेरा साथ नहीं दूंगा, तुम चारों कुछ भी कर लो, तो खाना तक नहीं खा सकेंगे हम। एक छोटी सी उंगली अगर इसमें भी कुछ लग गया, कुछ दर्द करने लगा, ये ना होने पर भी ऐसे काम करने में भी कितनी कठिनाइयां होगी हमें। एक बहुत अच्छी कहानी कोई सुनाते हैं, एक बार पांचों उंगलियों में झगड़ा हो गया, मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा, तो भगवान ने कहा क्यों लड़ते हो, एक कंपटीशन रखेंगे, कौन जीतेगा वो बड़ा। तो एक कंपटीशन दिया गया कि बूंदी के लड्डू बनानी है, एक अंगुली से बनाना, बस कौन बनाएगा जल्दी बनाएगा वो बड़ा माना जाएगा। सभी शुरू हो गए, आप भी शुरू हो जाइए, एक उंगली में लड्डू बना सकते हैं, बन गया, नहीं बना ना। बाद में सभी ने बोला एक उंगली से तो होने से रहा, तो हम पांचों मिलके फटाफट बना देंगे। यह है जिंदगी, यह है जिंदगी की सच्चाई। यहां पर अगर हम अपना जीवन विकारों से, विषयासक्तियों से मुक्त करना चाहते हैं, आत्मा में ओरिजिनली वैल्यूज तो है ही, वैल्यूज आर विद इन, बाहर से कुछ लेना नहीं है, लेकिन जो वैल्यूज के ऊपर हम लोगों ने देहभान के कारण कई विषय विकारों को अपना मान के रखा है, उन्हें हटाने के लिए भगवान जो ज्ञानामृत धारा हमें दे रहे हैं उसे अपनाते 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 अंदर की शक्ति को जागृत करना बहुत जरूरी है। इसलिए गीताचार्य बार बार कहता है कि इन विकारों को छोड़ दो, ये तुम्हारे वैरी है, ये तुम्हारे शत्रु है, इनका त्याग कर दो। इनका त्याग करने के लिए हमें क्या करना चाहिए,
विकारों का त्याग तो करना है, या ऐसे सोचेंगे कि नहीं दुनिया में इनके बिना कैसे चलेगा, थोड़ा तो साथ रखना बनता है। ऐसे सोच कई बार हमारे मन में चलता है, कैसे एकदम त्याग कैसे हो सकता है। ठीक है, एकदम नहीं हो सकता है, लेकिन शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। जिस बात से हमें दुख मिल रहा है, जिस बात से दुविधाएं आ रही है, जिस विषय विकार के कारण मन क्लेश युक्त हो गया है, जिस विषय विकारों के कारण बहुत सारे डिलेमास आ गए हैं मन में, अर्जुन की डिलेमास हमारे सामने है, इन सब से हम बाहर आना भी चाहते हैं, तो आने के लिए कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। वो शुरुआत खुद को ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा। तो शुरुआत करने के लिए गीताचार्य कहते हैं, त्रैगुण्य विषय वेद निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्तो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद ये तीन गुणों के बारे में बताते हैं। अगर आत्मवान बन के योग क्षेम रहित बनना है, अर्थात कोई भी चिंता कोई भी समस्या से हमें मुक्त होना है, तो द्वंद्व मुक्त भी बनना चाहिए और नित्य सत्य को जीवन में अपनाना चाहिए। उसके लिए इन तीन गुणों का भी त्याग करना चाहिए, अर्थात अपने मूल स्वरूप में लौट आना चाहिए। वेद केवल इन तीन गुणों की बातें करते हैं, लेकिन भगवान इन तीन गुणों से भी ऊपर उठने के लिए कहते हैं, क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप जो अनादि शांत स्वरूप है, परमोच्च स्वरूप है, ऐसे स्वरूप में लौटने के लिए तीनों गुणों से ऊपर उठ के सनातन स्वरूप में लौटना पड़ेगा। उसके लिए जो पिछला श्लोक हमने सुना था, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनम, इसमें तीन गुण के बारे में गीताचार्य स्पेशली कह रहे हैं। वो है, एक है काम, एक है क्रोध, एक है लोभ। ये जो लोभ की चाहना है ना, ये चाहना केवल वस्तु पैसे इसके नहीं है, पद रेस्पेक्ट इनकी भी चाहना जो है, ये भी मनुष्य को डुबोने के लिए तत्पर है। इसलिए गीताचार्य कहता है, इन तीनों गुणों से ऊपर उठ के आ जाओ तो ये जो चाहना हम चाहते हैं, देखिए मनुष्य के मन में ये जो चाहना उत्पन्न होते हैं, पहले हम तुलना करते हैं किसी के साथ, इनके पास ये है मेरे पास भी होना चाहिए। हम ये नहीं सोचते आवश्यकता है कि नहीं है। नहीं मिलने पर जलस शुरू हो जाता है, अंदर से ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण मनुष्य गलत रास्ता अपनाता है। लोभ के कारण आज मनुष्य पता नहीं क्या क्या कर रहा है। रोज रोज हम पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, इतने सोने इकट्ठे किए हैं, उनके घर के दरवाजे, उनके घर के खिड़कियां, उनके घर के सब कुछ सामान सोने के बना के रखे हैं, तो क्या ऐसा कोई फायदा है? नहीं है ना। इसलिए लोभ मुक्त होना भी बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर एक घटना याद आती है। एक बार एक राज्य में बहुत सिंपल सा साधु रहते थे, जो बस एक कॉपिन ही पहनते थे। उनके पास झुंड के झुंड लोग जाते थे, बहुत प्यार इज्जत देते थे। वो सब देख देख कर वहां के राजा को ईर्ष्या होने लगा। एक बार राजा शाम के समय साधु के पास पहुंचे, ये क्या बात हुई, मैंने सभी को दान देता हूँ, जो भी मेरे पास आता है मैं भर भर के उनकी सब जरूरत पूरी करता हूँ, फिर भी लोग मेरे से प्यार नहीं करते, इतना रेस्पेक्ट नहीं देते, बस डरते हैं। लेकिन तुम्हारे पास इतने लोग आते हैं, राजा ईर्ष्या से जल रहे थे। लेकिन साधु उन्होंने कुछ नहीं बोला, राजा को कहा चलो बाहर चलते हैं। बगिया में ले गए, बगीचे में बहुत सुंदर एक गुलाब का फूल खिला हुआ था और ऊपर सांझ ढलने के कारण चांद निकल आया था। तो राजा को साधु जी ने दिखाया, यहाँ गुलाब का फूल है, ऊपर चांद चमक रहा है, दोनों एक दूसरे से जलते हैं कि कौन ज्यादा खूबसूरत है? नहीं ना, चांद अपने जगह खूबसूरत है, गुलाब अपने जगह खूबसूरत है। बस ऐसे ही आप अपने काम में, मैं अपने काम में हूँ, आपको अपने जगह की रेस्पेक्ट मिल रही है और मुझे अपने जगह की, इसमें ईर्ष्या काहे की? जब ईर्ष्या ही खत्म हो गए तो चाहना ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। जहाँ चाहना नहीं है वहाँ लोभ नहीं रहता है। तो देखिए कितने अच्छे सीख है। इसलिए जितना है
उसमें हम खुश रहना सीखेंगे तो और आते जाएगा। और खुशी जैसी खुराक जिंदगी में और कोई नहीं है, इसलिए पुनश्च हम भगवान के इन महावाक्यों को याद करेंगे कि अगर हमें जिंदगी में द्वंद्व दुविधा से मुक्त रहना है तो इन सबको त्यागना होगा, उसके लिए हम प्रयासरत रहेंगे। ओम शांति। मित्रों, अब तक तो ये भली भांति हम समझ चुके हैं कि विकारों से मुक्ति ही हमें सर्व प्रकार के दुखों से मुक्ति दिलाएगी। और अगर हम ये भी समझ चुके हैं कि भाई संयम ही श्रेयकर है और हमें उसमें रहना चाहिए, तो निस्संदेह हमें अपनी जीवन शैली, अपनी जीवनचर्या बदलनी ही पड़ेगी। यदि अपनी 5 इंद्रियों की लगाम को हमने ढीला कर दिया तो ये तो पक्का है मित्रों कि हम आध्यात्मिक उन्नति कभी नहीं कर सकते। ज़रूरत है कि हम जीवन में काम को, नाम रूप के भान को और ये जो देह के प्रति अशुद्ध आकर्षण है हमारा, उसे समाप्त कर दिया जाए। जब तक कि हमारे मन से विकार जाएंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में शांति, शीतलता, एकाग्रता और एकरसता कभी आ नहीं सकती।